मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरह से मूव किया, बैंक निफ्टी में जो स्टॉक ट्रेड करते हैं उन्होंने आज किस तरह से मूवमेंट दी। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बिकॉज यहां पर हम जो है बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह आपको देते हैं डेली बेस पर। आपको यहां पर पता लगता है कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, कहां पर हम कल ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की आज की वीडियो। तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं कि जो आज बैंक निफ्टी में जो मूव हुई है वो आप सब लोगों ने देखा कि कितनी जबरदस्त मूव हुई है। स्टार्टिंग तो बैंक निफ्टी जो है, पहले देखिए जो आज गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग देखिए जो कल की क्लोजिंग थी वो नियर अबाउट 26,800 पर थी और आज की जो ओपनिंग हुई है वो 27,000 के ऊपर ही ओपनिंग हुई है। तो जब 27,000 के ऊपर ओपनिंग हुई और फर्स्ट कैंडल ने बहुत अच्छा, एक समझ लीजिए आपने एक मिनट के कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा हाई लगाया था। यहां देखते हुए हमने जो है पहला ट्रेड यहां पर बाइंग साइड ले लिया था। उससे पहले तो चलिए हम ट्रेड की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इसका जो हाई लो लगा। आज देखिए जो ओपनिंग हुई वो 27,088 के लेवल पर हुई, इसका जो हाई लगा वो 27,590 का लगा और लो 27,088 का। तो आप यहां पर एक चीज जरा गौर करिएगा कि यहां पर जो ओपनिंग और लो ये दोनों प्राइस बिल्कुल सेम थे और इस टाइम पर मैंने आपको एक चार्ट पोस्ट किया था कि यहां से जो है बैंक निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है। अगर यहां से लेवल ब्रेक करती है तब बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है, हम कम से कम 300 से 400 पॉइंट्स के डाउन मूड दे सकते हैं। बट यहां पर क्या हुआ, देखिए बहुत अच्छा बाउंस बैक हुआ और फाइनली जो देखिए क्लोजिंग आई है वो 27,500 के ऊपर आई है, 27,582 की क्लोजिंग आई है। तो यहां पर चलिए मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर चलता हूं और समझाने की कोशिश करूंगा कि आज बैंक निफ्टी ने देखिए किस तरह से ट्रेड किया। तो ये देखिए जब यहां पर एक मिनट की कैंडल जब यहां पर बन रही थी तो हमने जो है यहां पर 27,000 की कॉल मैंने जो है अपने ऑप्शन बैच में अपने स्टूडेंट्स वगैरह को दे दी थी। ये जो हमने कॉल बाय करी थी ये 389 पर बाय करी थी और ये 534 पर हमने इसको बुक करी, इसमें हमने मोर देन 100 पॉइंट्स बुक किया। चलिए मैं आपको आज के ट्रेड बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा ट्रेड देखिए जो मैंने आपको बताया था वो 27,200 की पुट हमने बाय करी थी, वो 361 पर ली थी और 463 पर हमने इसको जो है एग्जिट करा था। तो यहां पर भी जो है हमने नियर अबाउट 100 पॉइंट्स यहां पर भी हमने बुक करे। नेक्स्ट हमारा ट्रेड था 27,300 की पुट और ये 471 पर हमने बाय करी थी और इसको हमने 533 पर जो है एग्जिट किया। फोर्थ ट्रेड हमारा था 27,200 की कॉल, ये हमने 419 पर ली थी और इसको 491 पर हमने इसको जो है एग्जिट करा, इसमें मोर देन 50 पॉइंट्स इसमें लिए। पांचवा ट्रेड जो हमारा था वो था 12,400 की कॉल, वो हमने निफ्टी में ली थी। निफ्टी में देखिए मैंने आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको चार्ट भी पोस्ट किया था। देखिए मैं आपको जो चीजें बताता हूं विद लॉजिक बताता हूं, विदाउट लॉजिक जो है मेरे चैनल में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं आपको चार्ट के साथ बात करता हूं, चार्ट में मैं पैटर्न बनाकर आपके साथ बात करता हूं। तो ये जो हमने कॉल ली थी 12,400 की कॉल, ये 90 रुपए पर ली थी, तो इसको हमने कुछ क्वांटिटी 108 पर बुक की और फाइनली जो है मैंने क्लोजिंग के टाइम में इसको जो है बुक किया 132 रुपए पर, 90 रुपए से 132 नियर अबाउट यहां पर हमको बहुत अच्छी मूव मिली 42 पॉइंट्स के निफ्टी में। और छवी कॉल देखिए मैंने आपको जो दी थी 27,400 की, वहां पर मैंने आपको एक चार्ट पोस्ट किया था टेलीग्राम में और मैंने बताया था कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो मैं जो है 27,400 की कॉल बाय करूंगा, ये मैंने स्पेशली क्लियर कट आपको बताया था। तो अगर आपने भी शायद अगर वो कॉल बाय करी होगी तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। ये कॉल देखिए हमने बाय करी थी 359 में और इसको फाइनली हमने बुक किया 446 में, मतलब क्लोजिंग के टाइम में हमने इसको बुक किया, ठीक है। तो अगर देखिए आप टेलीग्राम चैनल हमारा कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप जो है रेड में क्लोज करते हो। अगर देखिए आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए वहां से जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए देखिए मेरी मोस्ट कॉल्स जो है बैंक निफ्टी की ही होती है, कभी कभी निफ्टी में कॉल कर ट्रेड कर लेता हूं और आपको मैं वहां पर वो चार्ट भी पोस्ट करता हूं। देखिए मैं जो भी आज मैंने जो भी ट्रेड लिए वो सब ट्रेड की चार्ट मैंने आपको पहले पोस्ट किए, उसके बाद मैंने आपको कंटिन्यू में बताता रहा टेलीग्राम चैनल में कि अभी देखिए बैंक निफ्टी में अपसाइड की मूव हो सकती है या डाउनसाइड की मूव हो सकती है। मैं इसको अभी मैं कॉल बाय करने जा रहा हूं कि मैं पुट बाय करने जा रहा हूं, ये सब चीजें मैं कंटिन्यू वहां पर मेंशन करते रहता हूं। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है डेली जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं
कि देखिए बैंक निफ्टी ने जो सवेरे जो है ओपन होते ही 27,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी। जब 27,000 के ऊपर की यहां पर देखिए 5 मिनट के कैंडल में 27,000 के ऊपर की क्लोजिंग आई, तो यहां पर एक हमारा व्यू जो है बुलिश साइड में हो गया कि हमारा जो टारगेट था वो कम से कम 200 पॉइंट का यहां पर हमने लेना था। तो फाइनली देखिए यहां पर जो है कंटिन्यू जो है फर्स्ट कैंडल के बाद 27,190 से यहां पर देखिए जो है 27,432 का मींस मोर देन 200 पॉइंट यहां पर हमको जो है अपसाइड मूव देखने को मिली। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, जब ये ऊपर के लेवल पर जाकर सस्टेन होना इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो यहां पर देखिए हाँ ये देखिए अब ये अपर लेवल पर सस्टेन नहीं हो पा रहा था और कंटिन्यू एक ही जगह ये जो है ट्रेड कर रहा था। तो मैंने यहां पर आपको एक चार्ट पोस्ट किया था और मैंने बताया था, चलिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लेकर चलता हूं और वहां पर आपको दिखाता हूं कि मैंने किस तरह से आपको वो दूसरा ट्रेड बताया था, ठीक है। तो यहां देखिए मैं सारी चीजें लॉजिक के साथ बताता हूं, ठीक है। तो ये हमारा जो है देखिए ये हमारा दूसरा ट्रेड था शायद, जी हाँ। तो ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन है, नहीं मैंने यहां पर हाँ तो ये बताया था, ये देखिए ये जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये देखिए पिक्चर देखिए, यहां पर मैंने ये लेवल ड्रॉ करके आपको दिया था और मैंने आपको वहां पर मेंशन किया था कि अगर देखिए यहां से बाउंस बैक करके ऊपर भी जा सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हम जो है पुट साइड में जाएंगे, तो इसलिए हमने जो है ये पुट साइड की यहां पर हमने बाइंग करी थी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद ये देखिए मार्केट कितना नीचे आई और यहां पर हमने एक पुट की हमने जो है 27,200 की पुट 361 में ली थी और 463 में बेची, मतलब यहां पर 100 पॉइंट से ज्यादा हमने यहां पर बुक किया। उसके बाद फाइनली जब यहां पर जाके इसने फिर सस्टेन नहीं हुआ, जब यहां पर देखिए मैं यहां पर एक बार ये लेवल ड्रॉ करूंगा, ये जो सपोर्ट था ये फिर यहां पर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करने लग गया था। उसके बाद फिर हमने यहां पर एक पुट सेलिंग करी थी, ये पुट हमने सेलिंग करी थी 27,300 की और 471 में बाय करके 533 में हमने यहां पर जो है इसको फाइनली निकाला था। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये देखिए जो क्लोजिंग था सॉरी जो ओपनिंग थी, इसकी जो ओपनिंग थी 27,088 की थी और यहां पर जो फाइनली जब बैंक निफ्टी आकर कंटिन्यू अब इस लेवल पर सस्टेन होने लग गया, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो है एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। यहां पर ये देखिए ये आपको यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा, फर्स्ट बॉटम ये है और सेकंड बॉटम ये, और यहां पर जब आकर कंटिन्यू सस्टेन करने लगा तो देखिए मैं फिर आपको टेलीग्राम चैनल में लेकर चलता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि यहां देखिए मैंने आपको एक चार्ट मैंने पोस्ट किया था जो हमारा थर्ड ट्रेड था, जी हां हाँ ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था ये रिजेक्शन का ये दूसरा ट्रेड था और ये तीसरा ट्रेड था। ये देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां से जो है देखिए अब बिल्कुल सेम देखिए इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था, ये जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां जो है चार्ट यहां से बाउंस बैक कर सकता है। ये देखिए ठीक है, यहां पर कंटिन्यू सस्टेन होना चालू हुआ था। सॉरी ये तो निफ्टी का चार्ट है, सॉरी एक मिनट यार भाई क्या हो रहा है ये, हाँ ये अब यहां पर देखिए यहां कंटिन्यू जब सस्टेन होना चालू हुआ तो मैंने बताया था कि ये लेवल ब्रेक करेगा तो अब हम जो है बाइंग साइड जाएंगे और अगर नीचे का लेवल ब्रेक करेगा तो हम सेल साइड जाएंगे। तो ये भी ट्रेड मैंने देखिए, मैं आपको एक क्लू दे देता हूं, ठीक है ना, मैं आपको हिंट एक दे देता हूं कि आप जो है अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर लेवल्स जो है यहां पर मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को खुद की भी ट्रेडिंग करनी होती है और मैंने ऑप्शन बैच में अपने जो जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है उन लोगों को भी ट्रेड देना होता है, सो मैं यहां पर लेवल मेंशन नहीं कर पाता हूं। तो मैं आपको यहां पर देखिए मैं हिंट आपको यहां पर क्लू में देता रहता हूं। तो फाइनली देखिए यहां पर जब बाउंस बैक यहां से हुआ तो हमने यहां पर देखिए जो मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया, जब ये लेवल यहां पर ब्रेक हुआ था तो हमने यहां पर जो है बाइंग साइड में ट्रेड बनाया था और ये ट्रेड बनाया था 27,200 की कॉल, 27,200 की कॉल हमने यहां पर 419 रुपए में बाय करी थी और 491 में फाइनली हमने जो है सेल करी थी, ठीक है। तो ये हमारा देखिए चौथा ट्रेड था और इसी तरह एक सिनेरियो निफ्टी में बन रहा था तो वो भी चार्ट मैंने आपको पोस्ट किया था, तो मैं निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने आपको ये दिखा दिया, ये देखिए ये भी जो है देखिए फाइनली जो है नीचे की लेवल पर आकर सस्टेन होने यहां पर एक रेंज बननी चालू हो गई थी और रेंज के बाद मैंने आपको ये चार्ट पोस्ट करके बताया था कि देखिए अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मैं बायर बन जाऊंगा और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो मैं सेलर बन जाऊंगा क्योंकि मैं एक इंटरडे ट्रेडर हूं और हमेशा जो है मार्केट में न्यूट्रल रहता हूं। तो ये हमारा पांचवा ट्रेड था और फाइनली जो है मैं देखिए लास्ट ट्रेड जो है छठा ट्रेड, लास्ट ट्रेड जो मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए ये पिक्चर है, ये छठे ट्रेड की 27,400 की कॉल जो थी मैंने आपको यहां पर पोस्ट करके बताया था। देखिए आपको मैं यहां पर बताता हूं, यहां मैंने देखिए बताया आपको कि ये छठा ट्रेड है और ये 27,400 की कॉल मैं यहां पर बाइंग करूंगा जब ये डे हाई क्रॉस करेगा, डे हाई क्रॉस करने के बाद मैं बाय करूंगा और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो मैं जो है
पुट बाय करूंगा, बट आई विल प्रेफर सीई देन पीई। बट मैंने आपको बताया कि यहां पर जो है मैं बायर बनना ज्यादा पसंद करूंगा सी जो है सेलर के मुकाबले। सो यहां पर हमारा ट्रेड प्लान मैंने आपको यहां पर शेयर कर दिया था, और हमने जो है यहां पर 359 में फाइनली यहां पर एंट्री ली थी। और यहां पर देखिए ये जो चार्ट ने जो है देखिए कितना अच्छा यहां से जो है बाउंस बैक किया था। सो देखिए अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो यहां से आपको जो है बहुत अच्छे हिंट मिलने वाले हैं। और अगर साथ आप हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो है देखिए हमारे साथ अकाउंट ओपन करिए अलायंस ब्लू में या एंजल ब्रोकिंग में। वहां से देखिए आप अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जो है सपोर्ट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। उसके बाद मेरा एक ऑप्शन का पर्सनल बैच मेरा ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप है जहां पर वहां पर मैं वो कॉल देता हूं जो मैं खुद ट्रेड करता हूं, जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं। तो वहां पर आपको जो कॉल मिलती है वो प्रॉपर लेवल्स के साथ मिलती है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ मिलती है। तो वहां पर जो है अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आप जो है हमारे साथ ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब देखिए हमको क्या करना है, अब फाइनली देखिए अब हमारे लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन पर फोकस करिए। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए दिखे, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम जो है यहां पर सेलर बनेंगे। और यहां पर मैं आपको एक 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं और आपको यहां पर जो है एक लंबा मैं सिनेरियो यहां पर दिखाता हूं, यहां से हम जहां से हमने बाउंस बैक करना चालू किया था यहां से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है। अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश हैं। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम जो है कंटिन्यू हम जो है बेरिश हो जाएंगे। उसके बाद दो या तीन दिन कंटिन्यू जो है मार्केट बेरिश रह सकती है, क्योंकि मार्केट अगर आप यहां पर वन डे के चार्ट में देखेंगे तो देखिए कंटिन्यू जो है पांच दिनों से चार दिनों से ये 1 2 3 4 5 6 तो आज छठा दिन था, छठवें दिन छह दिन से कंटिन्यू देखिए बैंक निफ्टी एक ऊपर की दिशा में ही चलते चले जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कभी ना कभी यहां पर जो है कभी भी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो आपको अलर्ट रहना है, इस ट्रेंड लाइन पर काम करना है। ये ट्रेंड लाइन अगर आपको ब्रेक होती हुई दिखाई देती है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम सेलर बनेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड ब्रेक होने के बाद यहां पर आकर सपोर्ट ले सकती है। अगर देखिए मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है, मैं आपको तीन सिनेरियो बताऊंगा, एक फ्लैट ओपन का बताऊंगा, एक गैप अप ओपनिंग का बताऊंगा और एक गैप डाउन ओपनिंग का बताऊंगा। तो आप जो है ये लेवल्स जरा ध्यान से सुनिएगा, ये कल जो है आपके काम आने वाले हैं। तो यहां देखिए अगर बैंक निफ्टी यहां पर फ्लैट ओपन होता है, मींस जो है 27,520, 25, 50 कुछ भी इस तरह से ओपन होता है, तो आपने यहां पर एक वेट करना है कि डे हाई को निकलने का, ठीक है। जो भी वो कैंडल का हाई लगेगा तो आपने उसका ब्रेकआउट का जो है वेट करना है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर फाइनली देखिए वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम जो है सेल करके यहां पे अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो देखिए, अगर बैंक निफ्टी यहां पर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहां पर अभी 27,582 की क्लोजिंग है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद आपको जो है बैंक निफ्टी नियर अबाउट आप मान लीजिए आपको यहां पर मिलती है इस लेवल पर, तो ये लेवल जो होगा ये देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए यहां पर एक हॉरिजॉन्टल का भी सपोर्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर एक तो बाइंग करने की कोशिश करिएगा, यहां पर अगर आपको बाइंग के लिए कोई ऐसा कैंडल नहीं दिखाई देता है, कोई कंफर्मेशन नहीं दिखाई देती है तो फिर यहां पर जो है आप बाइंग कर सकते हैं। अगर एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो आज की ओपनिंग थी, ये लेवल ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी देखिए ये जो गैप बना हुआ है ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये गैप फिल कल मार्केट करने के लिए आ सकता है अगर आज की जो है ओपनिंग को ब्रेक करता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये अब गैप अप ओपन हो जाता है तो गैप अप के सिनेरियो में आपने कुछ नहीं करना है, आपने पेशेंस रखना है, वहां पर आपने जो है एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। प्राइस एक्शन मींस मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने इस तरह ये देखिए मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर फाइनली अगर इसको ब्रेक करता है उसके बाद आप जो है यहां पर जाके बाइंग कर सकते हैं। कहां पर ब्रेक बाइंग करना है आपको, इस लेवल पर, यहां से जब जाता है फिर जो है आप यहां पर बाइंग कर सकते हैं जब इसके हाई को क्रॉस करता है। तो मैंने आपको तीनों लेवल मैंने बता दिए, देखिए जो है मैंने गैप अप ओपनिंग का भी बता दिया, गैप डाउन ओपनिंग का भी बता दिया और जो है फ्लैट ओपनिंग का भी बता दिया। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए जो मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये अभी ट्रेंड लाइन है, जब तक हम ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम बुलिश है। जब हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद फाइनली ये जो आज की ओपनिंग है ब्रेक कर देंगे, मैं जो है टोटली बियरिश बन जाऊंगा, मैं
टोटल जो है पुट साइड में जाऊंगा, पुट साइड को मैं बाइंग करूंगा। तो अब देखिए ऊपर की तरफ जो ये लेवल मैं जो बताया था आपको, मैं देखिए यहां पर वनडे का चार्ट लगाता हूं और वनडे के चार्ट में मैं आपको ऊपर के लेवल बताता हूं। अगर आप बायर हैं, अगर हम ऊपर की तरफ बाइंग करते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, तो हमारा पहला देखिए टारगेट होगा 27,650 का, दूसरा टारगेट होगा 27,820 का और तीसरा टारगेट होगा 28,040 का, ठीक है। और अगर देखिए फाइनली अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट होगा देखिए 27,300 का, दूसरा टारगेट होगा 27,100 का और तीसरा टारगेट होगा 26,840 का। तो एक चीज का ध्यान रखिए, कल मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है क्योंकि देखिए ये दो चार दिनों से न्यूज का जो है कंटिन्यू दौर चल रहा है। अभी बिहार इलेक्शन भी कंटिन्यू जो देखिए अपना ऑन द वे है और इधर जो है मतलब अमेरिका का भी जो है मतलब डिक्लेरेशन हो चुका है। तो मतलब आपने ट्रेड करना है बहुत ध्यान से करना है, बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपने ट्रेड करना है। देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग जो है कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से अगर यूज करते हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं, बहुत सिंपल चीज है। देखिए अगर आपके पास कुछ टेक्निक है, कुछ आप अपने इसमें टेक्निक यूज करते हैं, आप अपना मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, तो आप जो है बहुत आसानी से पैसा बना सकते हैं। बस आपको रूल्स अपने नहीं छोड़ने हैं, अपने रूल्स अपने डिसिप्लिन जरूर अपने जो है उसके साथ चलना है और जो है मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि स्टॉप लॉस आपके छोटे से छोटे हों, स्टॉप लॉस जो है ज्यादा बड़ा रखने की कोशिश ना करें ज्यादा। देखिए अगर एक बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस को मायने नहीं रखता, हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर हमारा पहला स्टॉप लॉस ही 80-90 पॉइंट या 100 पॉइंट का हो गया तो हमारा दूसरा ट्रेड जो है हमारी साइकोलॉजी उस हिसाब से चेंज हो जाती है, फिर जो है हम सिर्फ उसको कवर करने के बारे में सोचते हैं, हम प्रॉफिट नहीं बना सकते फिर। तो इन चीजों का देखिए ध्यान रखिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ अकाउंट खोलिए और मेरे साथ ट्रेड करना चालू करिए, मैं आपको ट्रेड दूंगा, अपने जो पर्सनल ट्रेड करता हूं मैं आपको वो ट्रेड दिया करूंगा। और आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए टेलीग्राम चैनल में आपको कंटिन्यू मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर कंटिन्यू देखिए कितने चार्ट आपको यहां पर मिलते रहते हैं। मैं सारे ट्रेड जो भी ट्रेड लेता हूं मैं यहां पर आपको हिंट और क्लू यहां पर जरूर देता रहता हूं। ये देखिए पहला चार्ट ये था, इसमें हमने जो पुट बाय की थी, दूसरा चार्ट ये था ट्रेंड लाइन को इसमें ब्रेक नहीं किया था और नीचे की तरफ निकला था, यहां पर हमने पुट बाय की। तीसरा चार्ट देखिए ये है, यहां पर देखिए ओपनिंग के पास इसने जो है सपोर्ट लिया और डबल बॉटम पैटर्न बनाया और यहां से ऊपर की तरफ गया, हम यहां हमने बाय करी, कॉल बाय करी। देखिए निफ्टी का है, निफ्टी का मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेक करता है, रेंज ब्रेक करता है तो हम इसको बाय करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। तो फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो हम देखिए बायर बन गए। और ये देखिए बैंक निफ्टी का चौथा ट्रेड ये था, जब मैंने बताया कि आपको ये रेंज ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो हम बायर बनेंगे, नीचे की तरफ सेल। तो फाइनली देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और हमने यहां पर बाइंग का ट्रेड लिया, कॉल हमने बाय करी, यहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। और लास्ट ट्रेड हमारा देखिए पांचवा ट्रेड हमारा ये था, देखिए यहां पर हमने 27,200 की कॉल बाय करी थी, ठीक है। तो और ये देखिए लास्ट ट्रेड जो है मैंने आपको यहां पर बताया था कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, डे हाई को ब्रेक करता है, तो हम यहां पर जो है 27,400 की कॉल बाय करने जा रहे हैं। और यहां पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो देखिए मैं वही मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल में आपको जो है कंटिन्यू हिंट मिलते रहते हैं, मैं यहां पर चीजें आपको बताता रहता हूं, समझाता रहता हूं कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, कौन से सपोर्ट पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रही है, ये सारी चीजें मैं आपको बताते रहता हूं। तो अगर आप जो है देखिए सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। और ट्रेड कल का दिन देखिए मंगलवार है, तो मतलब देखिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्ट्राइक प्राइस जो है बाय करनी है या सेल करनी है, किस तरह से आपको ऑप्शन बाइंग में काम करना है और किस तरह से आपको ऑप्शन सेलिंग में काम करना है। देखिए ऑप्शन बाइंग के लिए हमारी साइकोलॉजी अलग होनी चाहिए और ऑप्शन सेलिंग के लिए हमारी साइकोलॉजी अलग होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में कवर करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।